हे फ्रेंड्स, हाउ यू, कैसे हैं आप सब। हरि ओम जी एवरीवन। आज मैं आपके पास एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक लेके आया हूं मैथमेटिक्स की, एडिशन की। हमें जब बड़े बड़े से नंबर मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, उन नंबर्स को ऐड करने के लिए वी जस्ट गेट टू फाइंड आउट कैलकुलेटर एंड इन मोबाइल और एनीवेयर यू आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम ऑल द डिवाइसेस। बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू वन टेक्निक बाय विच यू कैन ईजिली solve the bigger addition sums, right? That may be of 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, whatever. एक simple सी trick use करिएगा और कितना भी calculation आए आप आराम से उसको बिना किसी calculator की मदद से आराम से कर पाइएगा। So start करते हैं। Okay. So बेटा देखो, आपके पास यदि 10 number है, मैं कहता हूं आपके पास चलिए 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. ये 10 नंबर हैं। अब इनको ऐड करना है आपको। अब ऐड करेंगे तो आप सिंपली कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। मैं जो कह रहा हूं आपको क्या करना है, ये आपका जो नंबर है ये क्या है, 31। यहां पे आपको क्या करना है बेटा, इस 31 पे आपको क्या करना है, 4 ऐड कर देना है। जैसे 31 में 4 ऐड करेंगे कितना आया आंसर आपका, 35। और 35 जैसे ही आया यहां पे 5 आप लगा दीजिए और लगाने के बाद आप देखिएगा आपका ये आंसर हो गया, इसका सम ये आंसर हो गया। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर आपने आंसर निकाल लिया। आप घर पे कैलकुलेटर में करके देखिएगा आपका आंसर करेक्ट आएगा, राइट। अभी दूसरा ले लेते हैं, दूसरा लेते हैं 51, 50, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, हाउ मच नंबर्स आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 57, 10 नंबर हो गए। बस ध्यान ये रखना है आपको कि कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए नंबर में, नंबर्स में कॉन्टिन्यूटी है। अगर इस प्रकार से 10 नंबर आपको दे दिए गए, आपको इनका सम निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको, इस पर ध्यान ही नहीं देना है। सिंपली आपको क्या करना है, ये वाला नंबर लेना है 48 में 4 जोड़ोगे तो 48 में 4 जोड़ोगे कितना हो गया, 52 और आखिरी में 5 लगा दो, 525 हो गया, सिंपल हो गया, आपका आंसर मिल गया, राइट। चलिए अभी तो आप बोलेंगे सर आपने 2 डिजिट को बता दिया, 3 डिजिट को बताइए। सो लेट अस टेक अप द 3 डिजिट सम्स, ओके। सो एक चीज मैं बता रहा आपको यहां पे जल्दी भूल गया, मैं बता देता हूं, ये वाले जो ट्रिक है ये कभी भी इन नंबर्स पे काम नहीं करेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके के जो नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर्स है, इस पे ये ट्रिक काम नहीं करेगा। तो इस पे आप मत आजमाइएगा, नहीं कहेंगे आप गलत बता दिया। सो नेक्स्ट आ जाते हैं, थर्ड 3 डिजिट नंबर्स ले लीजिए आप, 9, 91, 990 या 982, 983, 984, 986, 5, 986, 1, 2, 3, 4, 5, 96, 985, 96, 97, 98, 999, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1000, 1001, अभी तो ये ज्यादा हो गया, 4 डिजिट हो जा रहा है। ओके, लेट इट बी, इसको 3 डिजिट में ही रखना है हमें, इसको 980 कर देते हैं। एक मिनट वेट करते हैं, 4 डिजिट हो जा रहा है तो 4 डिजिट का मैं अलग से बताऊंगा आपको, 3 डिजिट नंबर ही हमें चाहिए। तो 3 डिजिट नंबर आप यहां से ले सकते हैं कि 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, नाउ काउंट इट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 987। अभी इन 10 संख्याओं का
जोड़ क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ दीज 10 नंबर्स। सो वी हैव टू अप्लाई द सिंपल ट्रिक, दिस इज द फर्स्ट नंबर, वी जस्ट टेक फर्स्ट नंबर 978 पे 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, कितना होगा 982। अरे इसमें आप जोड़िए प्लस 4, 978 पे प्लस 4 किया 982 हुआ, 982 में आप 5 और ऐड कर दिए, ये आपका आंसर आ गया, राइट। तो ये आपकी बहुत ही साधारण सी सिंपल सी ट्रिक है जहां पे आप लॉन्ग नंबर्स के एडिशंस को निकाल सकते हैं। नाउ टेक अप फोर डिजिट नंबर्स, फोर डिजिट नंबर्स, ओके 9991999, लेकिन वही प्रॉब्लम आएगी। ओके एक काम करते हैं 999199999199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 
we have to find out its sum. If you want to calculate its sum, just do simple funda is there. 9988 यहाँ पे लिख लो 9988 इसमें प्लस जोड़ो 4, जैसे ही आपने 4 जोड़ा तो क्या हो गया 9992 राइट, और यहाँ पे 5 लगा दीजिए जी, आपका आंसर हो गया। ठीक है देव, तो ये आपके एक सिंपल ट्रिक से आप बड़े बड़े एडिशंस कर सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बी वॉच दी वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.